जल जीवन मिशन 2024 के अंतर्गत भर्तियां निकली हुई हैं। गांव में निकली पानी की टंकी पर काम करने के लिए भर्ती। सरकार द्वारा पानी की टंकी पर काम करने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपको अपने गांव में रहकर पानी की टंकी पर काम करना होगा। सरकार द्वारा हर गांव में पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं हर ग्राम पंचायतों में। अगर आप भी किसी गांव से आते हैं तो हो सकता है आपके गांव में भी पानी की टंकी बनी हो या फिर काम शुरू होने वाला है या हो रहा है। सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। भारत सरकार ने पानी की टंकी पर काम करने के लिए भर्ती निकाली है। आप भी पानी की टंकी पर काम करके, यानी कि जैसे कि इसमें कई ट्रेड्स रखे गए हैं, लगभग 10 या 12 प्रकार के, जैसे मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, राजमिस्त्री, इस तरीके से, ठीक है। पानी की टंकी पर काम करने के लिए पानी गांव से ही लोगों को भर्ती किया जा रहा है, यानी कि जिस गांव में टंकी बन रही है उसी गांव के लोग भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अब आप अपने ही गांव में काम कर पाएंगे, ठीक है, कहीं जाना भी नहीं है आपको। इसी के साथ यहाँ पर बता दें, यह काम 2 शिफ्ट में किया जाएगा। एक रात की शिफ्ट में होगी और एक दिन की शिफ्ट होगी। दोनों, यानी कि रात और दिन दोनों की अलग अलग शिफ्ट होगी। दोनों सिक्योरिटी गार्ड को 12 घंटे पानी की टंकी की देखरेख करना है एवं मोटर चालू बंद करना होगा। जैसे कि जो मैंने आपको बताया 12 लोग रहेंगे, इसी में से कुछ लोगों को जैसे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी रखा जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर मतलब कि जैसे कि कुछ जैसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं तो वो दिन में ड्यूटी रहेगी, किसी की रात में ड्यूटी रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को 12 घंटे पानी की टंकी की देखरेख करनी है, मोटर चालू और बंद करना है, ऐसे छोटे छोटे काम करने हैं। उसको बदले में आपको सैलरी दी जाएगी। और जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। दरअसल भारत सरकार द्वारा मिशन योजना के तहत गांव में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। पानी की टंकी की देखरेख करने के लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भी रखे जाएंगे। 12-12 घंटे की शिफ्ट में पानी की टंकी की देखरेख करेंगे। तो आप ऐसे में आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको 10,000 प्रति महीने तक की सैलरी मिलेगी। हालांकि यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि अलग अलग गांव द्वारा अलग अलग सैलरी प्रदान की जाएगी, ठीक है। वैसे 10,000 तक आप समझिएगा, या 8,000 भी हो सकता है, 8 से 10,000 तक, ठीक है। इसी के साथ गांव में पानी की टंकियों का लगातार निर्माण किया जा रहा है। अब अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो हमारे यहाँ भी ग्राम मतलब कि बनकर तैयार हो गया है अभी, यानी कि प्लास्टर वगैरह वो शुरू हुआ है, फिर पेंट होगा, फिर कनेक्शन वगैरह होगा। तो इस तरीके से कार्य चल रहा है और हमारे यहाँ लगभग 1 साल से ऊपर हो गया होगा, 1 साल होता होगा ऐसा कुछ। और इसी के साथ आपको बता दें, आपके गांव में ही जल्द ही काम शुरू होने वाला हो हर घर नल योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है एवं पाइपलाइन के जरिए घर घर तक नलों तक पानी पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। ऐसे में आप सभी के लिए बड़ा अवसर है, क्योंकि आप अपने ही गाँव में ही रह कर पानी की टंकी पर सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर सकते हैं। पानी टंकी पर करना होगा ये काम, पानी की टंकी पर आपको काम करना होगा कि जैसे कि मैंने बताया, पानी की टंकी का मोटर जो होता है उसको चालू और बंद करना है, देख रेख करनी है, यही सब कुछ काम करने होंगे आपको। और सरकार द्वारा आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी 8 से 10,000 तक की। सरकार को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पानी की टंकी पर काम कर सकें, यानी कि पानी की टंकी की देख रेख कर सकें, छोटे मोटे जो काम है वो कर सकें, एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। इसी के साथ हम आपको बता दें, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं है, इसके लिए ऑफलाइन ही है, क्योंकि आपको अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क करना होगा ग्राम प्रधान से और या सेक्रेटरी से, क्योंकि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही लोगों को काम पर रखा जाएगा, या सचिव से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ आप ग्राम पंचायत में पानी की टंकी निर्माण के बारे में भी जान सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पानी की टंकी की वैकेंसी हो तो आवेदन करना है, तो इसके लिए आपको अपने ग्राम प्रधान के पास जाना होगा, जहां पर आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने दस्तावेज जमा करके इस नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। अपने ग्राम पंचायत में आवेदन करने हेतु आपको आधार, राशन कार्ड, जॉब कार्ड और बैंक खाते की जानकारी की आवश्यकता होगी। हाँ, और इस तरीके से आप आवेदन कर पाएंगे और पानी की टंकी पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पा सकते।
जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।